हेलो एवरीवन, वी आर रीडिंग द चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री फॉर क्लास 9th। और अभी तक हम लोग रीड कर चुके हैं कि फ्रांस में किस तरह से रेवोल्यूशन आया, कैसे आउटब्रेक हुआ रेवोल्यूशन का। और हमने देखा कि मोनार्की थी पहले, राजा थे लुई 16 जिनका रूल चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पर नेशनल असेंबली बनी और नेशनल असेंबली ने फाइनली अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया और फिर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी वो भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, जैकोबिन्स क्लब ने उसको ओवरटेक कर लिया। और अब जो है गवर्नमेंट थी जैकोबिन्स क्लब की, जो कि हमने पिछले पार्ट में रीड किया है कि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर हैं उन्होंने टुक ओवर कर लिया था वहाँ की मोनार्की को, वहाँ की गवर्नमेंट को। और उसके बाद जो है एग्जीक्यूट कर दिया था फाइनली जो राजा थे लुई 16 को, ही वो सेंटेंस्ड टू डेथ डेथ बाय द कोर्ट। और उनको राष्ट्रद्रोह के मामले में जो है एग्जीक्यूट कर दिया था बाय द कोर्ट। और ये कब हुआ था? ऑन 21 जनवरी 1793 को उनको पब्लिकली एग्जीक्यूशन मिल गई थी। और उनकी जो क्वीन थी उनके साथ भी कुछ टाइम बाद ऐसा ही हुआ। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि फ्रांस में 3 गवर्नमेंट अभी तक चेंज हो चुकी हैं, बट अभी तक स्टेबिलिटी उतनी नहीं आई है। आगे हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रीन ऑफ टेरर, और देखते हैं रीन ऑफ टेरर में क्या रहता है, कि ये जो गवर्नमेंट आई थी ऐसा क्या हुआ कि इसके जो टाइम पीरियड है इसको हमने रीन ऑफ टेरर का नाम दिया। तो लेट्स रीड द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is referred to as reign of terror. Robespierre followed the policy of severe control and punishment all those whom he saw as being enemies for republic, ex-nobles and clergy, member of other political parties, even members of his own party who did not agree with his method were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. So देखा जाता है कि ये रॉबेस्पियर की जो पॉलिसीज़ रही वो बहुत ही सीवर रही, यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी रॉबेस्पियर ने अपनाई। और जिसको भी वो एनिमी समझता था सोसाइटी का, या जो रिपब्लिक उसने बनाई थी, यानी मैंने आपको बताया था कि फ्रांस जो है अब एक रिपब्लिक बन गया था अंडर रॉबेस्पियरेज गवर्नमेंट। तो जो भी उस रिपब्लिक के जो एनिमीज़ वो जिनको समझता था, वो चाहे एक्स नोबल्स हैं या क्लर्जी मैन हैं, चर्च से रिलेटेड कुछ पर्सनस हैं या दूसरे मेंबर हैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जो भी उसको लगता था कि वो उसका कोई ना कोई फॉल्ट है, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देता था, अरेस्ट करता था, इम्प्रिजन में डाल देता था और उनको किसी ना किसी तरह एग्जीक्यूट कर देता था। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ अभी तक हमें फ्रांस में देखने को मिलती हैं इनके रूल में। And then, if the court found them guilty, they were guillotined. तो ये क्या होता है? Guillotine is a device constituting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotin, who invented it. तो उसको guillotines कर दिया जाता था। तो वो क्या था? It was like an instrument जिसपे पर्सन्स को एग्जीक्यूट किया जाता था। इस तरह के दो पोल्स होते थे और उनके बीच में एक ब्लेड होता था और एक ब्लेड ऊपर होता था, तो इस ब्लेड को नीचे गिरा दिया जाता था और पर्सन्स की गर्दन को यहाँ रखा जाता था। तो इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट था जिसके ज़रिए वो सज़ा देते थे। यानी कुल मिला के हम देख सकते हैं कि बहुत ही सीवर पनिशमेंट जो है वो दी गई ये जो रिपब्लिक गवर्नमेंट आई थी इसके दौरान। तो रॉबेस्पियरेज गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन द वेजेस एंड प्राइजेस। तो मीट एंड ब्रेड वाज राशनड, पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटी एंड सेल इट एज प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो चीज़ें जो थी फूड ग्रेन्स उनके प्राइजेस फिक्स हो गए थे। अब जो है इक्वालिटी लाने के चक्कर में, फोर्सफुल इक्वालिटी ये ला रहे थे, द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। जो वाइट फ्लोर था, जो सफ़ेद आटा जिसको हम मैदा भी कह सकते हैं, उसका यूज़ बिल्कुल ही फॉरबिडन कर दिया गया था। यानी वो
मनाही थी उस आटे का इस्तेमाल करने में, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये अमीर लोग इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो प्राइस में महंगा था। तो सिर्फ इक्वालिटी लाने के लिए वो वाइट फ्लोर का यूज़ जो है बंद करवा दिया गया था फ्रेंच सोसाइटी में बाय द गवर्नमेंट ऑफ रॉबस्पियरे। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट पेन डिगेल्ड इक्वालिटी ब्रेड। तो इक्वालिटी ब्रेड जो सभी सिटीजन्स को एक जैसा आटा मिलता था उससे जो ब्रेड बनती थी उसको कहा गया है इक्वालिटी ब्रेड, जो कि होल व्हीट से बनती थी। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टाइज टू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। जो भी जिस भी तरह से किसी को एड्रेस करते थे तो उसमें भी इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्स्योर। मॉन्स्योर का मतलब सर है और मैडम का मतलब मैडम है। ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंस फोर्थ सिटोयन एंड सिटोयनी, यानी सिटीजन ही बोला जाएगा, मेल सिटीजन और फीमेल सिटीजन। कोई भी किसी को सर या मैडम कह के प्रोनाउंस नहीं करेगा, बुलाएगा नहीं। चर्चेज़ वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इंटू बैरक्स और ऑफिसेज। चर्चेज़ को बंद कर दिया गया और उनकी जो बिल्डिंग्स थी उनको बैरक्स में यानी जेलों में कन्वर्ट कर दिया गया और ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि हालांकि ये जो गवर्नमेंट आई थी, रिपब्लिक थी नाम इसका, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग काइंड और बीइंग पोलाइट, ये जो है बहुत ज़्यादा ही टेरर फैला रहे थे फ्रांस में, और उसी का नतीजा था कि इनका जो टाइम पीरियड था उसको राइन ऑफ टेरर बोला गया। रॉबस्पियरे परसुएडेड हिज पॉलिसीज सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलिटाइन। तो हुआ क्या था कि अब रॉबस्पियरे की जो नीतियाँ थी वो इतनी ज़्यादा घातक हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा वो अंडर टेरर आ गए थे लोग, कि उसकी पार्टी, अपनी पार्टी के लोग भी उससे घबराने लगे थे और कहीं ना कहीं उससे परेशान हो चुके थे। तो अब जो है उसके खिलाफ़ ही केस चलाया गया और फाइनली ऐसा पाया गया बाय द कोर्ट कि वो दोषी था, और 1794 में उसको अरेस्ट कर लिया गया और नेक्स्ट डे ही उसको मार दिया गया उसी इंस्ट्रूमेंट से जो जिसके थ्रू वो दूसरे पर्सन्स को गिलिटाइन करता था, उसी इंस्ट्रूमेंट से। तो आगे जब रॉबस्पियरे का जो रूल है वो भी ख़त्म हो गया तो आगे फ्रांस में क्या हुआ, तो वो था एक डायरेक्टरी रूल आया फ्रांस में। डायरेक्टरी रूल क्या था वो हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3.2 में। तो लेट्स रीड। द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। अब जो है जो पावर आ गई वो किसके हाथ में आ गई, वेल्दियर मिडिल क्लास के हाथ में आ गई। यानी पहले ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि जब जैकोबिन्स क्लब में जो मेंबर्स थे वो बिल्कुल ऐसे ग्रुप ऑफ सोसाइटी में से थे जो बहुत ही गरीब थे, लेकिन अब जो है क्योंकि उसका जो रूल है वो ख़त्म हो चुका था, रॉबस्पियरे वाज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड, तो अब जो है नई गवर्नमेंट आई और वो जो नई गवर्नमेंट आई वो किसकी आई, वेल्दियर मिडिल क्लास की। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया विच डिनाइड अ वोट टू नॉन प्रॉपर्टीज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो अब इसमें जिसके पास बिल्कुल प्रॉपर्टी नहीं थी इन्होंने उसके वोट को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं है। उसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। कौन कौन सी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने वाली दो काउंसिल, दीज देन अपॉइंटेड डायरेक्टली। तो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे नेशनल असेंबली बनी थी वैसे ही इन्होंने भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, और उसमें से ही एक डायरेक्टरी अपॉइंट होती थी। डायरेक्टरी क्या थी, डायरेक्टरी ऐसे पर्सनस का ग्रुप था जिसमें 5 मेम्बर्स थे, यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसी में से 5 मेंबर्स चुने जाएंगे जिनको डायरेक्टरी बोला जाएगा। दिस वॉज द मेंट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज एन अंडर जैकोबिन्स। तो ये डर रहे थे कहीं ना कहीं कि जैकोबिन्स के रूल में जैसा हुआ था कि एक ही मैन के पास जो है पावर वो सेंटर हो गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब जो है हमने 5 पर्संस को चुना है जिसको हमने डायरेक्टरी का नाम दिया है। हाउ एवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु देन
sought to dismiss them, the political instability of the directory paved the way for rise of a military dictator, Napoleon Bonaparte. तो अब हुआ क्या, अभी भी कहीं ना कहीं फ्रांस की जो गवर्नमेंट है वो इनस्टेबल थी. कभी वहाँ पर कुछ आ रहा था, कभी कोई जो है पावर में चला जाता था. तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी फ्रांस में, और ये जो डायरेक्टरी है ये भी ज़्यादा दिन तक अपने पैर नहीं जमा पाई. और उसके बाद फ्रांस में उदय हुआ एक मिलिट्री डिक्टेटर का, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे. अब ये इसने क्या किया, थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी रिमेंड इंस्पायरिंग द आइडियल एंड मोटिवेटेड पोलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस एंड रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी. तो अब क्या हुआ कि फ्रांस में, लेकिन चाहे गवर्नमेंट बदल रही थी, बट जो आइडियल्स थे फ्रीडम के, इक्वालिटी के, वो सेम रहे, वो इंस्पायर करते रहे लोगों को. उसके बाद हम देखेंगे टॉपिक नंबर 4 में कि डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो मेल्स के बारे में पढ़ा, या हमने रीड किया कि किस तरह की चेंजेस आ रहे थे फ्रेंच सोसाइटी में ड्यूरिंग दैट टाइम, और किस तरह से रेवोल्यूशन आते जा रहे थे एक के बाद एक. तो अब जो हैं हम पढ़ेंगे, जो बिल्कुल ही कह सकते हैं कि इस पार्ट को हमने अनटच रखा, वो था वुमेन का पार्ट, कि देखते हैं वुमेन की कंडीशन फ्रांस में कैसी थी, क्या उन्होंने इस रेवोल्यूशन में कोई पार्ट लिया या नहीं. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट विच ब्रोट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रांस सोसाइटी. दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी. तो हमेशा से ही वुमेन ने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेंट रही हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेशन दी है उन्होंने इन द फ्रेंच सोसाइटी. और उन्हें था कि कभी ना कभी जो है उनका वो प्रेशराइज कर पाएंगी गवर्नमेंट को, कि ताकि वो उनकी लाइफ को भी इम्प्रूव कर पाएँ. मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. तो थर्ड एस्टेट की जितनी वुमेन थी उनको अपनी अपनी कमाई के लिए वर्क करना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था, काम करना पड़ता था. दे वर्कड एज स्टीम स्ट्रेस ऑफ लॉन्ड्रेसेस, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट द मार्केट, एंड वर एम्प्लॉयड एट डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्परस वुमेन. मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग. तो बहुत सारी औरतों को कोई फ्लावर बेचती थी, कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को सेल करती थी, और कुछ जो है डोमेस्टिक सर्वेंट्स भी थी, और बट उनके पास एजुकेशन के कोई ज़रिए नहीं थे उस टाइम, ना ही कोई जॉब ट्रेनिंग थी. ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स ऑफ वेल्दियर मेम्बर ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट, आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज मैरिज फॉर देम. वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो केयर फॉर देयर फैमिलीज, दैट इज कुक, फेच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड, लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. तो ज़्यादातर काम जो थे वो औरतों को ही करने पड़ते थे, और ज़्यादातर औरतों की वहाँ पर क्या होती थी, अरेंज मैरिजेस ही होती थी. वो उन्हें अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं था. देयर वेजेस वर लोअर एंड देन दोज ऑफ मैन इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड देयर वॉइस एंड इंटरेस्ट. वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पोलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़ पेपर. जैसा कि हमने पढ़ा था कि वहाँ पर पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे थे, तो वुमेन ने भी अपने बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए और न्यूज़पेपर में अपने बारे में लिखा. अबाउट 60 वुमेन क्लब्स केम टू डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़. तो अलग अलग फ्रांस के शहरों में 60 क्लब्स देखे जा सकते थे जो कि वुमेन के इश्यूज़ को रेज करते थे. द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम. सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी ये वुमेन का क्लब था, और एक रिपब्लिकन वुमेन भी एक वुमेन क्लब था जो कि फ्रांस में देखने को मिलता है. One of their main demands was that women enjoy the same political right as men. तो उनकी main demand यही थी कि उन्हें भी vote करने का अधिकार दिया जाए, और उनको बिल्कुल इस तरह से treat किया जाए जैसा कि males को किया जाता है. Women's were disappointed that the constitution of 1791 reduced them to passive citizens. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly, and to hold political office. Only then
दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंट इन द न्यू गवर्नमेंट. जब फ्रांस में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 में, तो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उन्हें भी एक्टिव सिटीजन समझा जाएगा, लेकिन उनको पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में रखा गया. वो डिमांड कर रही थी कि उन्हें भी राइट टू वोट होना चाहिए और असेंबली में उनको भी इलेक्ट होना है, उनको भी पॉलिटिकल ऑफिसेज में होल्ड रखना है, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था. इन द अर्ली ईयर द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन. टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स. जैसे ही रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई, तो उनकी लाइफ्स में कुछ इम्प्रूवमेंट आई. अब जो थे, कुछ ऐसे सरकारी स्कूल खोले गए, सरकार ने उनके लिए स्कूल्स इंट्रोड्यूस किए उसके बाद, जिसमें कि गर्ल्स की जो एजुकेशन थी वो कंपलसरी थी. देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इन टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल. अब जो है, उनके फादर या उनकी फैमिली जो है, उनको उनकी विल के अगेंस्ट जो है शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे. मैरिज वॉज मेड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इन टू अ फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ. अब जो है, मैरिज को वो जब चाहे खारिज कर सकती थी, यानी वो डाइवोर्स भी ले सकती थी. डाइवोर्स वॉज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. तो आदमी और औरत जो चाहे वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता था. वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स एंड कुड बिकम आर्टिस्ट एंड रन स्मॉल बिजनेसेस. यानी कुल मिलाकर उनको थोड़ी आज़ादी मिली थी आफ्टर दैट गवर्नमेंट. वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउ एवर कंटिन्यू ड्यूरिंग द रिग्न ऑफ टेरर. द न्यू गवर्नमेंट इशू लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बैनिंग द देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी. लेकिन जब रोबेसपियरे की गवर्नमेंट आई, तो हुआ क्या, जैकोबिन्स के दौरान की गवर्नमेंट के दौरान जो वुमेन क्लब्स थे उनको बैन कर दिया गया और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी. मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड. बहुत सारी वुमेन जो नेता थी उनको अरेस्ट कर लिया गया और कुछ को एग्जीक्यूट कर दिया गया. वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स. इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू द इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट. ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वॉज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमरी. हम देख सकते हैं, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो फ्रेंच वुमेन ने बहुत सालों तक जो है स्ट्रगल किया है और फाइनली 1946 में फ्रांस की वुमेन को वोटिंग राइट मिला था. तो हम देख सकते हैं कि कहाँ 1793 की 94 की बात कर रहे हैं, तब से वो स्ट्रगल कर रही थी और फाइनली उनको 1946 में जो है वोटिंग राइट मिलता है. यानी इतने साल उन्होंने स्ट्रगल में बिता दिए. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी. और होपफुली आपने यहाँ तक मुझे ध्यान से सुना होगा और आपको चैप्टर समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.